कलमना के अंतर्गत आने वाले वाजपेयी नगर के बस्तियों में बड़े पैमाने पर पानी जमा होने से बस्ती के लोग काफी प्रभावित हुए हैं। जल्द से जल्द इस समस्या से छुटकारा दे, ऐसी मांग नागरिकों ने प्रशासन से की है। बारिश का पानी जमा होने से कई बस्तियां जलमय हो चुकी है। कई लोग बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। उनके रोजाना के कामकाज पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। जी हाँ, कलमना के अंतर्गत आने वाले मोहनलाल वाजपेयी नगर की, जी हाँ, इसी मोहनलाल वाजपेयी नगर में काफी पानी जमा है। कोई ध्यान इस ओर नहीं दे रहा है, जिसके चलते इस बस्ती के लोग काफी परेशान हैं। अब तक के इन लोगों ने विधायक मिलिंद माने, विधायक नितिन राउत से भी इस बारे में चर्चा की। गटर लाइन को लेकर जमा पानी तुरंत निकालने की मांग भी की थी। पानी जमा होने से लोगों को काफी दिक्कतें हो रही है। सड़क पर कीचड़ बना हुआ है, पानी की निकासी नहीं हो रही है, जिसके चलते दो बड़े पाइपलाइन डलवाना काफी जरूरी है, लेकिन अफसोस कि इस ओर प्रशासन ध्यान नहीं दे रही है। इस समय में आप स्क्रीन पर एक जंक्शन बॉक्स दिखाई दे रहा है, जिसके चलते पानी भी काफी जमा हुआ है। अगर थोड़ी मूसलाधार बारिश होती है तो ये पानी सीधा जंक्शन बॉक्स में जा सकता है। यदि जंक्शन बॉक्स में यदि पानी जाता है तो उसके बाद बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है, जिससे काफी जान माल का नुकसान भी हो सकता है। इस बात को लेकर प्रशासन को बार बार बताया गया है, मगर अफसोस के ढाक के तीन पांच जैसे कामकाज प्रशासन का दिख रहा। यहां के पार्षद का इस ओर ध्यान नहीं है, विधायक का भी कतई ध्यान नहीं है। ऐसे में करे तो करे क्या, ये सवाल अब कलमना बस्ती के लोगों के सामने में आ पड़ा है। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी, क्या है ये समस्या। कर रही है, देख रही है ना, और हमारे बच्चों को स्कूल जाने आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। यहाँ पे लास्ट टाइम एक बच्चा भी डूब गया था पानी में। इस टाइप की है, तो हमारी यही दरख्वास्त है कि भैया ये इसके ऊपर कार्रवाई की जाए और जल्द से जल्द ये पानी और यहाँ के गटर लाइन का और रोड का इंतजाम किया जाए। इसके पहले भी वीडियो क्लिप बनी है, यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि दो बड़े बड़े पाइप डाल दिए जाए शासन प्रशासन के द्वारा, और पाइप डालकर यहाँ पर जो लोगों को दिक्कत हो रही है, आप देख सकते हैं, इधर इधर घुमाइए और ये देखो, लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है और लोग बहुत परेशान हैं। लोग सब अपने अपने कपड़े उठा के आ रहे हैं और गाड़ी मारुति भी खड़ी है, कपड़े भी हाथ से ज्यादा उठा, शासन वाला आकर देख नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पाइप डालने की ज़रूरत है और बहुत बंद आती है, डेली का बारिश आती है, यहाँ पानी हो जाता है, पूरा भर जाता है। यहाँ बड़े बड़े दो पाइप डालना चाहिए शासन प्रशासन ने, और लोगों की परेशानी का समस्या का समाधान करना चाहिए, करना चाहिए। ये बच्चों बच्चों तो निकल ही नहीं पाते यहाँ से, और क्या क्या तकलीफ है। देखो ये गाड़ी मारो वापस, ये गाड़ी बंद हो जाए, बड़े पाइप डालना चाहिए, पुलिया बनना चाहिए, पुलिया बनना चाहिए, पूरा नाला है वो। जैसा कि आप ये पानी देख रहे हैं, और ये यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर है और उसका जंक्शन बॉक्स बहुत नीचे है। अभी अगर और अगर आधा घंटा बारिश होगी तो ये जंक्शन बॉक्स डूब जाएगा, यहाँ तक पानी आ जाता है। आने जाने वाले यहाँ से चिपक के आते हैं, दिक्कत होती है। अगर कभी करंट पास हो गया तो यहाँ बहुत बड़ा इंसिडेंस हो सकता है ना, तो प्रशासन इसके तरफ भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि नागपुर की कई ऐसी बस्तियां हैं जहां पर इस तरह का नजारा दिखाई देता है। कई घरों में पानी घुस चुका है, लोगों को आने जाने के लिए तकलीफ हो रही है। इस ओर प्रशासन का ध्यान नहीं है। ये कलमना की बात नहीं तो बल्कि नागपुर के हर उस इलाके की बात है, उस बस्ती की बात है, जहां पे ऐसा नजारा साफ देखा जा सकता है। कलमना के अंतर्गत आने वाले मोहनलाल वाजपेयी नगर में किस तरह से समस्याओं का अंबार लगा है और प्रशासन का ध्यान नहीं है। प्रशासन जल्द से जल्द ध्यान दे और नागरिकों को हो रही समस्या से बाहर निकलना ये प्रशासन का काम है, और प्रशासन इस ओर ध्यान दे, यही मांग शहर की जनता कर रही है। कलमना परिसर से कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागड़े के साथ संजय मीरे, इनबीसीएन न्यूज नागपुर।